हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गज्जू सर इन फ्रंट ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं वोकेबुलरी का स्पेशल सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सो दैट यू ऑल आर वेल गाइज। वोकेब का क्या इंपॉर्टेंस रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? आपको पता है कि हर एक एग्जाम में वोकेब का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वो कैसे, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम ले लो, नेवी का ले लो, सीडीएस का ले लो, एफकेट का ले लो, चाहे आप बैंक का एग्जाम ले लो, एसएससी का एग्जाम ले लो, आपको पता है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका इंपॉर्टेंस भी रहता है। इसलिए हमें वोकैब बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब वोकैब बिल्ड करें कैसे, मैंने वोकैब के और इडियम्स के ऊपर कुछ वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अभी मैं वोकैब का एक वीडियो और आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके गाइस, तो अपना पहला वर्ड है, देखिएगा ध्यान से वो वर्ड कौन सा है जी। तो पहला वर्ड रहेगा गैरुलस। अब आप देखिएगा गैरुलस, गैरुलस एक एडजेक्टिव है। सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी बात करूं तो इट्स ए एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है, इसको ग्रामर के सेशन में हम इंपोर्टेंस के बताने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाला हूँ ग्रामर के सेशन में। तो गैरुलस का मीनिंग क्या होता है, हिंदी बता दूं पहले तो आपको, बातूनी होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका फंक्शन होता है एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे गैरुलस का नाउन क्या होता है, तो गैरुलिटी। गैरुलस का नाउन क्या हो गया भाई, गैरुलिटी। अब आप कहेंगे गैरुलस का एडवर्ब क्या होने वाला है, तो एडवर्ब देख लीजिएगा, ये इसका एडवर्ब पॉइंट हो गया। तो हमने बता दिया गैरुलस, गैरुलस का मीनिंग होता है बातूनी, गैरुलसली एडवर्ब है, गैरुलिटी क्या हो गया इसका नाउन हो गया। अब आप कहेंगे सर गैरुलस का मीनिंग क्या होता है, तो हिंदी में हमने कह दिया बातूनी, इंग्लिश में मैं इसके बात करूं तो इंग्लिश में हो गया इसकी डेफिनेशन टॉकिंग अलाउट स्पेशली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। टॉकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा बातें करना, खास तौर से ऐसी बातों पर जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, कोई सेंस ही ना हो, ऐसी बातों में बहुत ज़्यादा बातें करना, वो क्या हो गया जी, गैरुलस बातों नहीं। याद कैसे रखोगे, याद रखोगे गैरुलस को गर्ल्स से, गर्ल्स, गर्ल्स कैसी होती है भाई, गर्ल्स होती है वो क्या होती है, टॉकेटिव होती है, बातों नहीं होती है ना, कई बहुत ज़्यादा क्या करते हैं बातें करते हैं, कचर पचर करते रहते हैं, वो कैसे होते हैं जी, गैरुलस होते हैं। तो हम कह सकते हैं गैरुलस का मीनिंग क्या हो गया, टॉकिंग अ लॉट स्पेशली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अब देख लीजिएगा इसके सिनोनिम्स, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे गैरुलस के, गैरुलस का सिनोनिम्स हो गया, कॉमन वर्ड है आप सबको पता है, टॉकेटिव। क्या हो गया, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है जी, बातूनी, लॉक्वासियस। अब आप ध्यान से देखिए एक वर्ड है लॉक, इस इंग्लिश में कहीं पे भी एल ओ क्यू और एल ओ सी यू ये दो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इनका मतलब होता है टू टॉक, बात ही होता है, ये है रूट वर्ड। मैं कल इस वर्ड के बारे में आपको डिटेल से वीडियो लाने वाला हूँ रूट वर्ड का, तो वहां समझा दूंगा। लॉक और लॉक वर्ड जहां भी आए उसका मीनिंग क्या होता है जी, टू टॉक होता है, बातूनी। तो लॉक्वासियस का मतलब ही क्या हो गया, बातूनी। एक वर्ड और ले लीजिएगा बॉम्बास्टिक, क्या वर्ड है बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक कह दो, लकासियस कह दो, टॉकेटिव कह दो, गैरुलस कह दीजिएगा, यह वर्ड है आपके पास में वर्डी या वर्बोस, वर्बोस या वर्बेटियम, वर्ड टू वर्ड बात करता है, बातें बातें करता है, वर्बोस होता है, वर्डी होता है, या माउथी या कम्युनिकेटिव या गोसिपी, इन सब का मीनिंग क्या होता है जी, बातूनी टाइप के बंदे। कैसे बंदे हैं, बातूनी है। तो गैरुलस, गैरुलस का क्या हो गया, टॉकेटिव, लॉक्वासियस, बॉम्बास्टिक, वर्डी, वर्बोस, माउथी, कम्युनिकेटिव और गॉसिपी, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। तो हम देखते हैं इनके अपोजिट क्या रहने वाले, तो अपोजिट भी आपके सामने डिस्कस कर देते हैं क्या क्या इसके अपोजिट रहेंगे। देखिएगा तो इसका अपोजिट है रेटिसेंट, मितवासी। क्या वर्ड है जी, रेटिसेंट, आर ई टी आई सी एन टी, रेटिसेंट का मतलब होता है मितवासी। अभी आप कहेंगे सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका फंक्शन क्या है, वर्ड कैटेगरी में तो एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे सर इसका नाउन क्या होगा, तो रेटिसेंस इसका नाउन हो जाएगा, रेटिसेंटली इसका एडवर्ब हो जाएगा, ये हो गया भाई इसका एडवर्ब फॉर्म। तो एडवर्ब है, नाउन है, तो रेटिसेंस हो गया नाउन, रेटिसेंट होता है मितभाषी, जो कम बोलता है, जो कम बातें करता है। ऐसे ही कहते हैं टैसिट्रन, क्या बोल देंगे भाई, टैसिट्रन।
टैसिट्रन कह दो चाहे रेटिसेंट कह दो, लैकोनिक, लैकोनिक भी मितवासी होता है जो कम बोलता, तो ऐसे बंदा होगा क्लोज लिप्ड, एकदम से क्लोज हो गए लिप्ट, लिप्ट यानी हॉट और क्लोज यानी एकदम से चुप्पी साधन, एकदम क्लोज लिप्ट है। जैसे आपने बर्फी मूवी देखी होगी उसमें रणबीर कपूर का करेक्टर देखा होगा, उसमें वो कैसा होता है, ये क्लोज लिप्ट होता है, बंदा कैसा होता है, रेटिसेंट होता है। गेरुलस के बारे में मैंने आपको बताया दिया है अभी, दिया और बाती में एक सीरियल आता है उसमें एक औरत होती है जिसका नाम है मीनाक्षी, तो आप कह सकते हो कि मिनुड़ी इज अ गेरुलस लेडी या मीनाक्षी इज अ गेरुलस लेडी, वो गेरुलस होती है जो ज्यादा बातें करती है। तो क्या हो गया, रेटिसेंट, टैसिट्रन, लैकोनिक, क्लॉज लिप्ड या क्लॉज माउथेड, ऐसे को हम क्या कर देंगे, साइलेंट भी एक रिलेटेड वर्ड, साइलेंट या डम भी कह सकते हो, डम यानी होता है वैसे गूंगा होता है, तो डम कह दो, साइलेंट कह दो, क्लोज लिप कह दो, लैकोनिक कह दो, टैक्सीट्रन कह दो या रेटिसेंट कह दो, जो क्या होता है, मितवासी होता है, जो कम बातें करता है, जो कम बातें करता है उसे हम क्या कर देते हैं, म्यूटेड कर देते हैं। जैसे आपके टीवी के रिमोट में बटन आता है उस पे लिखा होता है म्यूट, या मोबाइल फोन में भी आता है म्यूट कर दिया, मतलब एकदम से चुप हो गया है, तो इस रेटिसेंट का मीनिंग होता है मितवासी। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूं, अनविलिंग, अन विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, इसका हो गया जी अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, ये हो गया अपना रेटिसेंट। एक और वर्ड मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, एक वर्ड और अपने पास कॉमन वर्ड है जिसका नाम है किंडल। क्या वर्ड है अपने पास, एक वर्ड और है गाइस जिसका नाम किंडल, के आई एन डी एल ई, किंडल, किंडल वर्ब है, किंडल क्या है जी वर्ब है, किंडल का सिनोनिम्स होता है इग्नाइट, इग्नाइट, इग्नाइट यानी भी जलाना होता है, किंडल यानी जलाना होता है, इनफ्लेम कह दो, इनफ्लेम कह दो, चाहे फायर ऑन भी कह सकते हो, क्या कह दो, फायर ऑन कह दो, इनफ्लेम कह दो, इग्नाइट कह दो, किंडल कह दो, या लाइट कह दो जी, क्या कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं। तो अपोजिट वर्ड क्या रह जाएगा, अपोजिट वर्ड भी बता देते हैं आपको, किंडल का अपोजिट क्या रहने वाला है, तो देखिएगा किंडल का अपोजिट है एक्सटिंग्विश, क्या वर्ड है, ये भी वर्ब है, एक्सटिंग्विश भी वर्ब है, एक्सटिंग्विश नहीं होता है बुझाना, बुझाने के लिए फ्रेजल वर्ब अपने पास पुट आउट, क्या है पुट आउट, पुट आउट यानी बुझाना होता है, एक्सटिंग्विश यानी बुझाना होता है, डाउस या क्वेंच, क्वेंच कह दीजिएगा, डाउस कह दो, पुट आउट कह दो, एक्सटिंग्विश कह दो, इनका मीनिंग क्या होता है जी, बुझाने के सेंस में हम यूज लेते हैं। तो किंडल एक वर्ब है, एक्सटिंग्विश भी क्या है जी वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना, तो बुझाने के लिए क्या है, एक्सटिंग्विश है, पुट आउट है, डाउस है, क्वेंच है, इसका मीनिंग क्या हो गया, बुझाना, दोनों वर्ब है। अब किंडल, किंडल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग की बात करता हूं तो मीनिंग बता देता हूं आपको मैं, टू मेक अ स्टार्ट, टू मेक अ स्टार्ट बर्निंग, टू मेक अ स्टार्ट बर्निंग, इस चीज को जलाना उसे कहते हैं क्या जी, किंडल। एक्सटिंग्विश का भी हो सकता है, एक्सटिंग्विश का बता देता हूं आपको, टू मेक अ फायर स्टॉप बर्निंग, टू मेक अ फायर स्टॉप बर्निंग और अ लाइट, और अ लाइट वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश, टू मेक अ फायर किसी भी आग को स्टॉप बुझा देना, मतलब स्टॉप कर देना बर्निंग जलते हुए, या लाइट को स्टॉप कर देना, वो एक्सटिंग्विश है। तो आज आपका वर्ड क्या था जी, गैरुलस, गैरुलस को कैसे याद किया, गर्ल से कहा था हमने, सीरियल देखा है दिया और बाती, उसमें मीनाक्षी आती है, वो कैसी है, गैरुलस है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, टॉकेटिव, लवासियस, बॉम्बास्टिक, वर्डी, वर्बोस, माउथी, कम्युनिकेटिव, गॉसिपी। अपोजिट क्या हो गया, रेटिसेंट, टैसिट्रन, लैकोनिक, क्लॉज लिप्ड, क्लॉज माउथेड, साइलेंट, डम और म्यूटेड, रिलेटेड वर्ड भी बता दिए हमने आपको। ठीक है, अगला वर्ड कौन सा था, किंडल, किंडल को याद करोगे जी, कैंडल को याद कर लो बच्चे, कैंडल से, कैंडल को हम क्या करते हैं, कैंडल आती है मोमबत्ती, उसको हम जलाते हैं, तो कैंडल को कैंडल कर देते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, इग्नाइट, इनफ्लेम, फायर ऑन, लाइट। अपोजिट क्या हो गया, अपोजिट हो गया एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना, पुट आउट करना, डाउस करना, क्वेंच करना, या इनफ्लेम कर देना, तो इनफ्लेम यानी ज्वलनशील हो गया। ओके, तो यहां लाइट, लाइट के क्या मीनिंग है जी, लाइट के यहां पे नाउन से है,
वर्ब में एडजेक्टिव में लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, वर्ब में क्या प्रकाशित करना भी होता है, जैसे अलग अलग फंक्शन होते हैं हर एक वर्ड्स के। तो आज का वर्ड था गैरुलस और इग्नाइट, ठीक है। कैंडल का सिंटेंस क्या हो गया, इग्नाइट। आई होप सो दैट गाइस कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सी यू सून गाइज, ओके, बाय बाय गाइज़।